नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि विंडोज 10 के टॉप 5 बेस्ट फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, लैपटॉप यूजर्स के लिए बेस्ट फीचर्स ऑफ विंडोज 10 फॉर लैपटॉप यूजर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। विंडोज 10 एक बहुत ही लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी है। इसके फीचर्स भी बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो टॉप 5 फीचर्स उनमें के कौन कौन से मैं आपको बता देना चाहूंगा। तो फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों डायनेमिक लॉक फीचर्स, मतलब के अगर आप अपने लैपटॉप पर कोई वर्क कर रहे हो दोस्तों और आपको अगर कोई मैसेज या फिर कोई कॉल आता है या फिर कोई आपको आवाज़ लगाता है और अगर आप आपके लैपटॉप से दूर होते हो, मतलब आपकी जैसे कि आप आपका लैपटॉप जो है दोस्तों आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होगा वायर ब्लूटूथ के कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, और जैसे ही आप लैपटॉप से दूर जाते हो और ब्लूटूथ कनेक्शन जो है वो आपका अगर डिस्कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका लैपटॉप जो है वो लॉक हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका लैपटॉप कोई अकेले में होगा तो कोई आपको लैपटॉप जो है यूज़ नहीं कर पाएगा, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और आपके लैपटॉप को जो पासवर्ड होगा दोस्तों। ठीक है, तो डायनेमिक लॉक फीचर्स किस तरह और अपने सिस्टम में ऑन करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। आपको यहाँ पर जो है स्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना है। सेटिंग में जाने के बाद में दोस्तों आपको ब्लूटूथ ऑन कर लेना है, मतलब कि यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर ऑन क्लिक कर देना है, इसमें जाना है। ठीक है, इसमें जाने के बाद यहां पर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ब्लूटूथ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तो इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में इसे आपको पेयर करना होगा आपके डिवाइस के साथ, तो आप अपने डिवाइस में चले जाइए दोस्तों। डिवाइस में चले जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपके डिवाइस में जाने के बाद में आपको आपका ब्लूटूथ ऑन कर लेना है कुछ इस तरीके से। हम ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका पीसी दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख पाओगे डेस्कटॉप पीसी हमारा दिखा दे रहा है, मतलब हमारा लैपटॉप, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो आपको डिवाइस जो है वो पेयर कर लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने पेयर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे लैपटॉप पर ऐड अ डिवाइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको पेयर डिवाइस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको इसे यस कर देना है। यस करने के बाद में आपका डिवाइस जो है वो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा, आपको इसे ओके कर लेना है आपके मोबाइल पर, तो यहाँ पर आपका जो है डिवाइस कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, पेयर हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, सेटिंग में आ जाना है फिर से। ठीक है, यहाँ पर आके आपको सेटिंग में आ जाना है और आपका आना है अकाउंट सेटिंग में। ओके, आपको यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है, हम इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पर आके आपको फिर से सेटिंग में आ जाना है और सेटिंग में आने के बाद में आपको आना है अकाउंट सेटिंग में। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो अकाउंट सेटिंग में आने के बाद में आपको यहाँ पर दोस्तों साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये रहा यहाँ पर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसमें आ जाने के बाद में आपको मार्क कर लेना है डायनेमिक लॉक को। आप यहाँ पर नीचे आओगे ड्रैग करते हुए, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डायनेमिक लॉक। ठीक है, तो इसे जैसे ही मार्क करोगे तो यहाँ पर आपके जो डिवाइस है वो आपके लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है वाया ब्लूटूथ के थ्रू। ठीक है, और जैसे ही आप किसी आप किसी जरूरी काम से बिना लैपटॉप को लॉक करें आप अगर वैसे ही चले जाते हो तो आपका जो मोबाइल फोन होगा जो दोस्तों वो आपके जेब में होगा और आपका लैपटॉप के थ्रू अगर ब्लूटूथ कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है लैपटॉप जो है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स था दोस्तों, इससे अपना पीसी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा आपका लैपटॉप, तो कोई यूज़ नहीं कर पाएगा और थर्ड पर्सन जो क्या आपका लैपटॉप कभी अकेले में होगा तो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर था दोस्तों, हम इसे क्लोज करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों फ्री स्टोरेज, फ्री अप स्टोरेज। ठीक है, फ्री अप स्टोरेज भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, मतलब कि जो अनयूज फाइल्स होती है वो आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। तो ये फीचर्स किस तरह काम करता है, तो इसे किस तरह अपने पीसी में ऑन करते हैं तो आइए हम देखते हैं। आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आ जाना है सेटिंग में। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर सिस्टम स्टोरेज में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप एक सिस्टम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उस पर आ जाना है आपको। उसमें आप आ जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का। ठीक है, फ्री अप स्टोरेज यहाँ पर सिस्टम के इसमें। ठीक है, तो स्टोरेज में आ जाने के बाद में दोस्तों आपको
स्टोरेज में आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा धिस पीसी रैम और आपके कुछ ड्राइव्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप में धिस पीसीज में आ जाना है। धिस पीसी में आने के बाद में आपको यहाँ पर सारी फाइल्स दिखाई देंगी दोस्तों, अनयूज्ड फाइल स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एप्लीकेशन गेम्स में 1.42, यहाँ पर आप देख पाओगे 2. यहाँ पर कम ज्यादा हो रहा है वो, यहाँ पर उसने जो है एनालाइज कर लिया है सारा सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एप्स एंड गेम्स में यहाँ पर 83 GB हमारा है, टेम्पररी फाइल्स जो है हमारी 23 GB की है, सिस्टम रिजर्व। तो यहाँ पर सारी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी दोस्तों, ओके। तो इस तरीके से आप इसमें जा सकते हो और यहाँ से आपको अनयूज फाइल्स आप रिमूव कर सकते हो, मतलब आपका स्टोरेज फ्री होने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों, फ्री अप स्टोरेज का विंडोज 10 में, ओके। नेक्स्ट फीचर आता है दोस्तों सेटअप एंड शेड्यूल, ठीक है। सेटअप एंड शेड्यूल ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों। तो ये फीचर किस काम में आता है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा। जैसे कि आप नाइट में अगर काम कर रहे हो तो आपका लैपटॉप जो है उसका ब्राइटनेस बहुत ही बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपका ब्राइटनेस अगर बढ़ जाता है तो वो उससे अपने को काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आप नाइट मोड ऑन कर लीजिए, इस फीचर में आपको नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो वो किस तरह करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बता देना चाहूंगा। तो चलिए थर्ड नंबर का जो फीचर है हमारा सेटअप एंड शेड्यूल, तो इसे अपने पीसी में किस तरह ऑन करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहूंगा। आपको स्टार्ट बटन पे आ जाना है। स्टार्ट बटन पे आने के बाद में आपको दोस्तों यहां पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर आपको आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद में दोस्तों यहां पर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, तो आपको उसमें आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा सिस्टम में आपको डिस्प्ले यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नीचे, तो आपको इस पर आ जाना है। इसमें आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाना है और यहाँ पर आपको नाइट दिखाई देगा, नाइट लाइट, ठीक है। तो आप इसे सिंपली ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ा सा ऑरेंज टाइप हमारे स्क्रीन का कलर हुआ है, थोड़ा लाइट लाइट। आप देख पा रहे हो या नहीं मुझे पता नहीं दोस्तों, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसलिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं मैं नहीं जान पाता हूँ। लेकिन जो है आप यहाँ पर आके अगर आप नाइट लाइट ऑन कर लोगे तो आप लैपटॉप पर आपका इफेक्ट देख पाओगे, ठीक है। ये होगी फर्स्ट प्रोसेस। इसके एक सेकंड प्रोसेस भी है दोस्तों ओपन करने की। यहाँ पर आप आ जाइए सिंपल, यहाँ पर आपको नीचे एक सिंबल दिखाई देगा कुछ इस तरीके का यहाँ पर कोने में, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नाइट लाइट का, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पर आपको उसे ऑन कर लेना है, ठीक है, नाइट लाइट। तो आप इसे ऑन कर लोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर हमारा कुछ डेस्कटॉप जो है वो ऑरेंज टाइप में बदल गया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों विंडोज 10 में, आप इसे यूज कर सकते हो अपने नाइट के लिए, मतलब आपके ब्राइटनेस के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर जो आता है दोस्तों फोर्थ नंबर पे, वो है स्टेप्स रिकॉर्ड। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों स्टेप्स रिकॉर्ड का। तो ये किस काम में आता है मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, तो ये उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब ये वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपकी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के स्नैपशॉट लेते जाएगा। तो चलिए इसे किस तरह ऑन करते हैं मैं आपको बता देना चाहूंगा। तो आपको डेस्कटॉप सर्च में सर्च करना है स्टेप्स, ओके। यहाँ पर आप ये बॉक्स देख पा रहे होगे टाइप हेयर टू सर्च का लिखा हुआ, यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स आप जैसे ही सर्च करोगे दोस्तों यहाँ पर आप स्टेप्स रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा एक एप्लीकेशन, तो इसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट रिकॉर्ड का, तो आप स्टार्ट रिकॉर्ड पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके जो है इसके बाद में जो भी आप प्रोसीजर करोगे वो सारी रिकॉर्ड होते जाएगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मतलब के उसके स्नैपशॉट, जैसे कि हम माय कंप्यूटर में आते हैं धिस पीसी, उसके बाद में हम आते हैं इस ड्राइव में, यहाँ पर हम आते हैं इसे मिनिमाइज कर, इसे हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं स्टार्ट का बटन पे। जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और जो है हम स्नैपशॉट यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो चलिए मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, तो हम इतना ही करते हैं। आपको उसके बाद में स्टॉप रिकॉर्ड पर कर देना है। स्टॉप रिकॉर्ड पे कर देने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर आओगे और इसे आप ड्रैग करते आओगे नीचे आओगे, तो आप देख पाओगे जो जो स्टेप्स हमने फॉलो किए सारी की सारी यहाँ पर वन बाय वन स्नैपशॉट यहाँ पर उसके आ चुके हैं, आप देख पाओगे, ठीक है, आप देख पाओगे। उसके बाद में हमने मिनिमाइज किया, स्टार्ट के बटन में गए, तो ये वन बाय वन आप जो है स्नैपशॉट ले सकते हो आपके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों विंडोज 10 में, ओके, विंडोज 10 यूजर्स के लिए। तो हम इसे फिलहाल क्लोज करते हैं और टॉप 5 नंबर पे आता है दोस्तों यूज इमोजीज एनीवेयर, मतलब
यूज इमोजीज, मतलब आप अगर चैटिंग कर रहे हो तो आप देख पाओगे डेस्कटॉप पीसीज में हमें इमोजीज सेंड नहीं करते आते दोस्तों, या फिर अगर करना करते भी है तो उसे एक एडिशनल सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत हमें पड़ती है। लेकिन विंडोज 10 में दोस्तों हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इमोजीज सेंड करने के लिए। तो इमोजीज किस तरह हम सेंड कर सकते हैं किसी भी चैटिंग में या फिर कहीं भी किसी भी कमेंट्स में, तो चलिए इस फीचर को किस तरह ऑन करते हैं मैं आपको बता देना चाहूंगा। दोस्तों आपको सिंपल राइट क्लिक करना है, आप अगर चैटिंग कर रहे हो और जब आपको इमोजी सेंड करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए अपने टास्क बार पर, ठीक है। टास्क बार पर आप राइट क्लिक जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो टच कीबोर्ड का, ठीक है। आपको इसे ऑन कर लेना है तो आपके सामने एक कीबोर्ड आ जाएगा दोस्तों, ओके। यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड दिखाई देगा दोस्तों, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक कीबोर्ड का यहाँ पर आइकॉन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है तो आपका जो है सिंपल कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पाओगे ये इमोजीज यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के इमोजीज है, आप देख पाओगे यहाँ पर कुछ इस तरीके के, आप बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे इमोजीज है आपको यहाँ पर, जैसे कि हम मोबाइल पर चैटिंग करते हैं समय इमोजी सेंड करते हैं तो वो इमोजीज आपको यहाँ पर भी मिलते हैं दोस्तों। तो आप चैटिंग करते समय या फिर जो है कमेंट सेक्शन में इमोजीज अगर सेंड करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो बिना किसी सॉफ्टवेयर के विंडोज 10 में, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे दोस्तों, टॉप 5 फीचर्स जो हमने निकाले हैं विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।